मैं आपको सिखाऊंगा कि फोटोशॉप में डुअल लाइट इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तलहा एंड वेलकम टू अनदर भाईलॉग वीडियो। फोटोशॉप में डुअल लाइट इफेक्ट क्रिएट करना बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ राइट बॉटम पे जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। अगर आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने ग्रेडियंट टूल के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो हम इसका एंगल सेट कर लेंगे 0, इधर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करके हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ पर एक ये ब्राउन है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके। फिर ये हमारे पास स्लाइडर्स हैं, तो ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है ये ब्राउन से स्टार्ट हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है। हम ट्रांसपेरेंसी वाले का भी कलर सेम कर लेंगे और ओके। अब हमारे पास यहाँ पर दो स्लाइडर्स हैं, हम इन स्लाइडर्स के थ्रू ग्रेडियंट का स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको आगे करीब कर लूँगा, मैं इसको भी करीब कर लूँगा ताकि रेंज काफ़ी कम हो जाए, और मैं इसको ओके कर दूँगा। इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर सारा कमाल ब्लेंड मोड का है। यहाँ पर एक ब्लेंड मोड है कलर, हम उसको सेलेक्ट करेंगे ओके। तो इसकी सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, ऑलमोस्ट 82%। हम इसी एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जो एंगल है वो हम 180 कर देंगे, 0 का ऑपोजिट। हम यहाँ पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई ब्लूइश और इसको ओके कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये हमारे पास डुअल लाइट इफेक्ट आ गया है। ये टेक्निक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फोटो मैनिपुलेशन के अंदर। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो या इस इफेक्ट के अलावा भी कोई इफेक्ट रिक्वेस्ट करना हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फोटोशॉप के बारे में और सीखना है तो सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर करना कि बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल पोस्ट करूँ वो आपको मिलता रहे।